Hello, I'm Jackie Chan. I know it's a very difficult time for everyone right now, and we all face the same problem, the coronavirus. It's very important to stay at home with your family and follow the rules of your government. If you have to go out, please remember to wear your face mask and wash your hands frequently. Protecting yourself is protecting your family. Stay safe, stay strong. I truly believe we have a brighter future ahead. 加油! Thank you. खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन बट रहा था, वो फोटो से डर गया। Hey guys, welcome back to my channel. This is Zeeshan Pirani. आज का जो हमारा वीडियो है, वो बहुत ही खास है, क्योंकि जो लॉकडाउन है, वो बढ़ गया है। अब लॉकडाउन जैसे-जैसे बढ़ रहा है, परेशानी भी बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैंने देखा सोशल मीडिया पे, सब जगह देख रहा हूँ मैं। आप लोग हेल्प कर रहे हो लोगों की और फोटोज खींच के जो डाल रहे हो। अगर आपको फोटो डालना ही है गाइस, तो आप लोग फोटो जो राशन है उस चीज का डालो। लेकिन आप किसको दे रहे हो प्लीज ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इज्जत की, अपनी इज्जत की वजह से, ये वजह से आगे कदम नहीं उठा रहे, आगे नहीं आ रहे, घर में भूखे रह रहे, क्योंकि वो एक्सपोज होना नहीं चाहते। कौन चाहेगा यार, हर किसी की अपनी एक इज्जत होती है। तो प्लीज आप लोग फोटो मत डालो यार, अगर डालना है तो राशन वगैरह का फोटो डालो, लेकिन ऐसा मत करो यार, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को अगर किसी की मदद ही करनी है तो राशन लीजिए, घर पहुँचा दीजिए। ये बात सिर्फ आपके और उनके बीच होनी चाहिए। लेकिन प्लीज यार, ये जो सोशल मीडिया के लिए आप लोग कर रहे हो ना, लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए, ये मत करो। लोग हेल्प तो बहुत लोगों की कर रहे हैं, लेकिन ये फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डालना जरूरी है क्या? हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने अपने स्टेटस पे रखा था फोटो, तो मैंने देखा वहां पर एक आदमी अपना पैसे दे रहा है और सामने कैमरामैन खड़ा है, वो फोटो ले रहा है। और जो आदमी पैसे ले रहा था उसका चेहरा मुझसे देखा नहीं गया। उस पर एक अलग ही एक मायूसी थी, एक शर्मिंदगी थी। तो हम लोग, आप लोग हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये सब जो आप कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, जा रहे हो दूसरी जगह, पैसे दे रहे हो, राशन बांट रहे हो। लेकिन गाइस, ये क्या बताने के लिए कर रहे हो आप लोग, किसी को बताने के लिए? बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हर कोई बता तो नहीं रहा है ना, ऐसे बताना जरूरी तो नहीं है। आप किसी की मदद बताने के लिए करते हो या सच में यहां से करते हो? अगर प्लीज आप लोग यहां से करते हो ना, तो उसका कुछ मतलब भी बनता है, कुछ फायदा भी बनता है। लेकिन अगर आप लोग ये बताने के लिए कर रहे हो कि मैंने इतनों की हेल्प किया, फोटो खींच के डाल दिया सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, तो यार ये तो गलत है ना। इसका मतलब है कि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां लोग जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। हमारे जो एमएलए है थाने कलवा के, डॉक्टर जितेंद्र रावत, वो भी क्वारंटाइन में है, जबकि वो हमारी तरह बाइक पे मास्क पहन के नहीं घूमते। उनकी अपनी कार है, वो तो सिक्योरिटी होती है उनके साथ में, साथ ही साथ वो हमसे ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन वो भी अभी क्वारंटाइन में है, तो आप थोड़ा सा समझो। मैंने पहले भी कहा था कि मास्क लगा लेने से, ग्लव्स पहन लेने से, सैनिटाइजर यूज करने से ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। यार जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग भी घर में बैठ गए हैं अभी, तो आप लोग प्लीज बाहर मत भटको। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी और को पड़ेगा, आपको और आपके घर वालों को फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली को फर्क पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लो। पिछले 48 घंटे में 1000 से ज्यादा केसेस सिर्फ मुंबई में निकले हैं, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज घर पे रहे, सेफ रहे,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब छोड़ के घर में बैठ जाओ आप लोग, राशन पानी छोड़ के भूखे प्यासे बैठे रहो घर में, नहीं, लेकिन सिर्फ काम के वक्त उतरो, ऐसे मत उतरो। बाय द वे, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है जिनका मेकअप क्लासेस चलता है और वो ऑर्डर्स भी लेते हैं शादी के, तो आप लोग अगर चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी मेकअप के लिए या फिर मेकअप सीखने के लिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है गाइज, आप लोग जाए और ज़रूर देखे। आप लोग इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो कर सकते हो और डायरेक्टली DM कर सकते हो इंक्वायरीज के लिए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने जो थॉट्स है वो भी शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों का क्या मानना है जो मामले पे, जो मुद्दे पे मैंने आज जो बात किया है उस चीज़ को लेकर के। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, बी जेलस।